जय महाकाल दोस्तों, आपका हमारे चैनल धर्म ज्ञान सागर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कृष्ण जन्म कथा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि की घनाघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनते सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके अत्यायी पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न आठवां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्घात हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी, बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके सात बच्चे हुए और सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब आठवां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख आठवें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ में एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरण में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफंती अथवा यमुना तुमको पार जाने का मार्ग देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रख कर कारागृह से निकल पड़े और यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्वतः बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिला कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है, वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह है कृष्ण जन्म की कथा। और अधिक धार्मिक और ज्योतिषी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।